अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। लास्ट संडे हमने फनी रमजान सीन्स बोल के डाले थे, ये वीडियो उसका सीक्वल है, मतलब एपिसोड टू है, मतलब पार्ट टू है। जैसा उसको प्यार करें, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करें, उसी तरह से ये वीडियो को भी प्यार करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। भाई नो ऑफेंस, भाई हाँ समझ रहे हैं, नो ऑफेंस। वीडियो जाके देखिए। पूरे रेडी है टेबल पे, खाना लाली, पानी नायबद ले लेता लो। शेरोज, तीन बार चिल्लाए तेरे नाम में, कहीं को इतना सुबह सुबह पुकारने लगा था, बोल जल्दी आगे, इधर बैठ, सहरी का टाइम हो रहा, इधर आ जल्दी आ। अरे अम्मे, आंखा नहीं खुल रहे जी। क्या आंख क्या नहीं खुल रहे? मैं कहा है जी, तुम कब सोया रात में? अरे तीन दिन पहले धोया जी दाता, छुप के धोते जी, अम्मी सफेद धोया था दाता। अपने ही रे, तुम लोग को अपने ही मालूम होता, कल बीवी आती ना, जब उन कंट्रोल में रखती ना, जब मालूम होता, अब कुछ भी नहीं दिखता तुम्हारे को। मैं देखती ना, मैं रहती ना, मैं पूरे देखते रहती तुम्हारे। तू खा, तू खा, यू नो तो कितने बार। अजी क्या हुआ जी? अजी अजी उठो जी, सहरी का टाइम हो जा रहा। और जिन 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 मारा मेरे को, बुरा काबा आऊंगा, जिन कांगा जिन, बुरा काबा का बुरा होगा। जल्दी उठो, सहरी का टाइम हो रहा, मैं जा रही, जल्दी आओ। फिर भी रमजान में जिन आंग कांगे, मेरे बीवी से बढ़ के कौन सा जिन है? किसको बोले जिन? हाँ मैं आज गोश्त बनाई सहरी में, जिन बोले ना, गोश्त पूरा फ्रिज में रखती, तुम्हारी डालती खाली कट्टा खा के सहरी कर लेना, रोजा रहना तुम, जिन का था जिन। हेलो इट्स मी। अम्मी सुबह ऐसा सुस्त तोड़ते रहे तो कमर पकड़ लिया जी, कमर बहुत दर्द दे रहा। वो 24 घंटे फोन में रहे तो कमर नहीं दे रहे थे, फिर कभी कभी फोन बाजू रख के सो, सुकून से रहता। हेलो इट्स मी। अम्मी वो अलग ही पेट में जलन हो रहा जी, बेचैनी बेचैनी हो रही अम्मी। वो 24 घंटे फोन नंबर है तो नहीं होता फिर। हेलो इट्स मी। अम्मी क्या रोजा लग रहा जी? 24 घंटे फोन नंबर है तो रोजा नहीं लगता फिर। हेलो इट्स मी। अम्मी अम्मी क्या रे? सहरी में मसाला ज्यादा हो गया होगा, पेट में जलन हो रहा, ये पाइपों में से जलन हो रहा जी। वो फोन रुको, फोन 24 घंटे फोन का यूज कर रहा बोलते, अब उसकी वजह से जी पूरे प्रॉब्लम आ बोलते हो तेज ना। मो देखे देखे देखे, वो बीपी भी बढ़ गई फोन के वजह से, ऊंची आवाज से बात कर रहा मेर से। हेलो इट्स मी। फोन यूज करेंगे बोल तो फोन भी खींच लिया, खींच लेंगे नजदीक रख लिए, और मार रहा टाइम पास को, लूडो खेलेंगे बोलते ही फोन नहीं है। ये ले बेटा फोन। क्या बोले? फोन ले बेटा। तुम मेरे को फोन दे रहे? हाँ कई बार लोचा भी। अरे ये सही।
क्या अम्मी तुम भाई फोन यूज कर तो लावा बनते है, अब क्या कोवे के बात अंग करके दे दे रहे फोन। अम्मी तुम बदल गए, अम्मी तुम बदल गए, अम्मी तुम वो अम्मी नहीं होते मैं फोन यूज कर तो मना करने वाले वो अम्मी नहीं होते मैं, तुम बदल गए अम्मी। मैं माल मेरे से बहुत प्यार करते मगर दिखाते नहीं, तुम मेरे बेटे का तकलीफ नहीं देख सकते, फोन दे दे नहीं अम्मी तुम। वो प्यार गिर कुछ भी नहीं होता, वो पापा के फोन को मैसेज आया था ऑनलाइन क्लासेस से अटेंड हो बोल के, इसलिए फोन दी। वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड होने के बाद फोन फिर से मेरे हाथ में आ जाना वापिस, समझ रहा ना? ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से अटेंड हो। ये रमजान में ऑनलाइन क्लास क्या है? हेलो इट्स मी। अस्सलाम वालेकुम पापा, खैरियत से? जी। और सहरी कर लिए? अच्छा, पूरे रोजे चल रहे ना? हाँ। अच्छा पापा, वही रमजान के बाद रिश्ते देखने का है अपने निशत को? हाँ ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर से करती। हाँ बेटा निशत, इधर आओ एक बार। मॉम डिस्कस्टिंग, ये कॉल मी निशु, निशत मत बोलो मेरे को, निशु बोल के बुलाओ। वही जो रमजान होने के बाद तेरी शादी कर देंगे सोच रही थी मैं। हाँ तो कैसा बच्चा होना बोले तो, जरा रिश्ते देखती मैं। बच्चे के क्वालिटीज। अच्छा सुनो, मैं सहरी कर लेके सो जाती, बच्चे पूरे बर्तन धो देना, और मैं इफ्तारी करके सो जाती, पूरे बर्तन बच्चे धोना, और ये बच्चा ग्रीन जोन का रहना, वैसा ही शादी कर लेती, नहीं तो नहीं कर लेती, समझ रहे ना? क्या किया मैं, मेरे को नहीं मानू पप्पा तुम्हारे से कैसा डरते कि वैसा वो आने वाला वैसा डरना मेरे से, समझे ना? हाँ वो मॉम वो फिर एक बार निशत बोल के नको बुलाओ, निशु बोल के बुलाओ, समझ रहे ना? ठीक है। अब्बा ये लॉकडाउन की वजह से मस्त सुकून दिख रहा, अच्छा रिलैक्सेशन फील हो रहा, और ये रमजान भी पूरा लॉकडाउन में गुजर जा रहा, ना पढ़ाई की टेंशन, ना रिजल्ट की टेंशन, ना बाहर जाने की टेंशन, गाड़ी में है सो पेट्रोल की टेंशन, मस्त सुकून फील हो रहा हूँ मैं, ये कुछ भी टेंशन नहीं है मेरे को। हैशटैग राइट नाउ आई एम फीलिंग सुकून। मैं कहीं को फोन कर रहा? हाँ मामा। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ मामा रोजे पूरे चल रहे मामा? क्या सही ना पक्का? रियल है फेक है? रियल है मामा। ठीक है मामा। दिन अच्छा खुश था ये लॉकडाउन में रिजल्ट्स नहीं आते समझ के, लेकिन एकदम रिजल्ट्स आने वाले हैं, मैं एटलीस्ट वो बॉर्डर मार्क्स से तो भी पास कर दो, मेरी दुआ कबूल अता फरमा अल्लाह। अरे मामा बाइक, मामा बाइक। अरे अम्मी क्या है जी, अम्मी चूप के दाल जी, परसों मिस खाए ना जी अम्मी दाल, दाल ने तो उन्हें तो भाजी क्या केक बनाया, अम्मी सा गोश मंगा के बनाओ ना जी अम्मी, मैं बोल रहा हूँ ना जी अम्मी रोज। अरे अरे जान दे रहे मामा, छोड़ दे दाल से खा लेंगे अपन, दाल बस हो गया अपने को। मैं बोला रे अम्मी को दोस्ताना बोल के दाल बना दे रहे। अरे मामा अपन को ये तो भी मिल रहा खाने के लिए, बाहर कनेकन तरस रहा खाने के लिए, समझ रहा? जो भी है अलहमदुल्ला समझना मामा, चल खा ले, कहीं कुछ चिल्ला लेना अम्मी के ऊपर, खा ले पी ले, खा ले मामा। तो शायरी में कब उठता रे? शायरी में कब उठता क्या रे, वो इस रात पूरी बाहर रहते है, आए तो 2-3 बजे आते घर को, सोए तो वही 4 बजे अम्मी उठाते हैं। तो 4 बजे अम्मी उठाए तो उड़ता आओ। तो अम्मी 3 बजे चुटके ते वो खाना साला ना, तो चाय पिए तो चाय, दूध पिए तो, पूरा इंतजाम करके 4 बजे देखो नवाब के जैसा उठाते बोले ऐसा दस ना, तो उठाए तो खा ले के नमाज पढ़ लेके सो जाता। अम्मी कब सो जाते मालूम? पूरे शहरी के बर्तन जो भी तो खा के छोड़ा, पूरे बर्तन साफ कर दे के
पूरा किचन साफ कर देगी जब जाके सो जाते हो नमाज पढ़ने। तो जब को आधी नींद ले लेता हूँ इफ्तारी में दस्तरखान के ऊपर कब बैठते रहे इफ्तारी करने? क्या है मामा, असर में उठते असर की नमाज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद गेम आओ एक खेले 5 मिनट है इफ्तार को बोले बैठ जाता हूँ। अम्मी 4 बजे से मेहनत करते इफ्तारी में क्या बनाऊ बोल के, इफ्तारी पूरा बना के सब तेरे सामने इंतजाम करके तो जब जाके बैठ के खा लेके निकल जाता, खा जाता खा लेके डर करके बाहर चले जाते खेलने अपने दोस्तों में मार मारे थे वहाँ बैठते सो। तो अम्मी क्या करते मानो, पूरा इफ्तारी के बर्तन धो के फिर रात का खाना बनाते, फिर सहरी का इंतजाम भी कर लेते दोनों रात में। अरे मामा लॉकडाउन के वजह से ऑफिसर हाँ अच्छे अच्छे लोग हाँ स्टूडेंट हाँ सब सबको हाल है मतलब रिलैक्स है। जो ये किचन में रहते देखा मामा घर वाले उल्ला अगर से हॉलीडे ले लिया ना इसको हॉलीडे लेना पड़ता मामा, उल्ला कभी भी काम करते रहते हॉलीडे बोले से चीज नहीं रहता मामा। ये ऊंची आवाज से किससे भी बात कर ले मामा लेकिन ये जो खाना बनाते और अपना पेट भरते वही अपने माँ के ऊपर कभी भी नहीं बात करते समझा। आज तबीयत ठीक नहीं होगा कल बनाते जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बोल के खा लेना मामा समझ रहा। ठीक है सहरी का टाइम हो रहा है जल्दी खा ले। इस साल ईद के लिए नो शॉपिंग। जब अपन रमजान में मस्जिद को नहीं जा सके तो फिर हम बाजार में किस खुशी में जाएंगे? वही पैसों से अपन गरीबों को मदद करेंगे, क्या बोल रहा हूँ हाँ, वही जो अपने बिगेस्ट शॉपिंग है। कैसा दिखा वीडियो? अगर से वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो और कैसा है कि कमेंट करो, लाल बटन दिख रहा ना सब्सक्राइब करो, उसके बाजू में घंटी दिख रहा है कनपट्टी पे खींच कर दियो और ताकि हमारे पूरे अपडेट्स आपको मिल जाते जब भी हम वीडियो डालें ठंड बोलकर नोटिफिकेशन आता समझ रहे ना। अल्लाह हाफिज़ दुआ में भी बारिश।